गाइस वेलकम बैक टू व्लॉग विद रिया शाह। ये हमारा वर्लपूल वॉशिंग मशीन के ऊपर ये सेकेंड वीडियो है। पहला वीडियो मैंने डाला था और उसमें काफ़ी सारी क्वेरीज आप लोगों ने बताया था, जिसको आज मैं सॉल्व करूंगी, आपके साथ बताऊंगी कि आपकी जितनी भी कोई प्रॉब्लम थे वो कैसे ठीक हो जाएगा। और आपने मुझे मेरे पहले वीडियो को काफ़ी पसंद किया था, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया था, उसके लिए थैंक यू सो मच। तो चलिए देखते हैं वीडियो को। जो ये प्रोग्राम दिए गए हैं इसका ज़्यादा जो भी फंक्शन है वो तो मैंने ऑलरेडी बता दिया है आप लोगों को, बट इसका जो टाइमिंग का इशू होता है ना कि एक जो प्रोग्राम में कितना टाइम लगता है आप कपड़े धोने में, तो इसमें क्या है, अगर ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो जाती है ना कि बहुत लोग क्या करते हैं, ये ऑन करते हैं लेकिन क्या एक्सप्रेस वॉश ये लास्ट में प्रेस करते हैं। तो अगर ये आप लास्ट में प्रेस करोगे तो ये टाइम को कम नहीं करेगा, ये टाइम को कम बिल्कुल नहीं करेगा। ये आपको क्या करना है मैं आपको बताती हूँ, मैं आपको चला के दिखाती हूँ एक बार। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको पावर ऑन करना है। आपने पावर ऑन किया, आपने प्रोग्राम सेट करना है। देखिए यहाँ पे ऑलरेडी प्रोग्राम सेट हो चुका है। आपको स्टार्ट क्लिक करने से पहले आपको ये एक्सप्रेस वॉश क्लिक करना पड़ेगा, जहाँ पे देख सकते हैं आप ये लाइट ऑन हो जाता है। और एक हार्ड वाटर का भी जो फंक्शन है ना वो भी आपको प्रेस करना पड़ेगा पहले, मतलब कि स्टार्ट ऑप्शन को क्लिक करने से पहले, तभी ये एक्टिव होगा, अदरवाइज ये एक्टिव नहीं होगा। तो ये देख रहे हैं आप P1 आ गया है। तो अब इसके बाद जब आप स्टार्ट करेंगे ना तो आपका जो टाइम है वो तो कम हो जाएगा। साथ साथ बहुत लोगों ने ये भी पूछा था कि एक्सप्रेस वॉश से क्या वाटर कंजप्शन भी होता है क्या, तो हाँ ये जो मशीन है इसमें वाटर कंजप्शन होता है। लाइक सेमी ऑटोमेटिक जो मशीन्स होते हैं ना उसके मुकाबले ये जो है फुल्ली ऑटोमेटिक, उसमें पानी काफ़ी ज़्यादा ही बचता है। तो इसीलिए लोग मैं आपको ये प्रेफर करूँगी कि आप यही लें। तो P1 में वॉश करने के लिए आपको हार्डली, अगर आप एक्सप्रेस वॉश ऑन करते हैं तो 28 मिनट से 30 मिनट लेता है, उससे ज़्यादा नहीं लेता है ये। और बहुत ज़्यादा ही अगर आप एक्सप्रेस वॉश क्लिक करके अगर आप यूज़ करोगे तो आपको टाइम बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है। इसमें फीचर ये है कि ये जो पानी जब इसके अंदर भरा जाता है ना, जब मशीन अपने अंदर पानी लेता है धोने के लिए, तो ये उस टाइम का टाइमिंग यहाँ पे ऐड नहीं करता है। वो जो टाइमिंग यहाँ पे दिखाता है वो टाइम को छोड़ कर बताता है। तो पानी करने का जो टाइम होता है ना वो भरता है, तो वो एक अलग ही हो गया। और इसके बाद जो वॉश करता है बस इतना ही टाइम यहाँ पे मेंशन किया जाता है। और ये होता है, ये जो आप जो वाटर लेवल देख रहे हैं ये ऑटो, लो, मीडियम, हाई, मैक्स, बहुत सारे ऐसे भी क्वेश्चंस थे कि वाटर लेवल बहुत ही स्लो है, मतलब जो पानी आता है अंदर बहुत धीरे आता है। तो आप सबसे पहले जब भी आपका पानी कम आए या आपको दिख रहा हो कि आपका जो लेवल है बहुत हाई है, मतलब कम है या हाई है, तो आपको सबसे पहले चेक करना होगा कि आपका वाटर लेवल कहाँ पर शो कर रहा है। हो सकता है वो कभी मीडियम पर आए या लो पे, तो आपको ऑलवेज यहाँ पर दिख जाएगा। लेकिन अगर आपको दिख रहा है कभी लो है या मीडियम है, तो ये हो सकता है जो पानी जो वो ले रहा है वो आपका प्रॉब्लम आपकी मशीन में नहीं है, आपके जो ये जो होता है ना ये टैप होता है उसमें से ही पानी अब कम आ रहा है। तो आपको अपने प्लम्बर को दिखाना पड़ेगा, अदरवाइज़ अगर ये ऑटो में शो करता है तो इसका मतलब ये पानी अच्छे से ले रहा है, तो मशीन में कोई फॉल्ट नहीं है, आप अपने प्लम्बर को चेक करवा। टाइम पे भी ऐसा भी होता है ना कि मतलब दो तीन कपड़े धोने के लिए काफ़ी टाइम लगता है, पानी भी स्लो आता है। तो जब ये कब होता है, जब आपका पानी का जो कनेक्शन है, जो फ्लो हो रहा है ना आपके मशीन के अंदर, वो स्लो जा रहा है, मतलब आपको जो पानी है वो कम लेवल में आ रहा है। तो यहाँ पे आप वाटर लेवल चेक करें, अगर आपको दिख रहा है कि स्लो है तो अपने प्लम्बर से ही जाके चेक करवाएं, क्योंकि मशीन का ये फॉल्ट नहीं है। जब मशीन कपड़े को ड्राई करता है ना, ड्राई मोड में जाता है, तो ये स्पिन होता है जिससे वो सुखाता है कपड़े को। जब ये स्पिन होता है तो उसमें नॉइज़ आती है और वाइब्रेशन भी होता है। तो क्या होता है ये समटाइम्स कि ये जो आपका मशीन है वो कभी कभी वाइब्रेट मोड पे चला जाता है, मतलब वाइब्रेशन होने लगता है। तो उसके डरने की कोई ज़रूरत नहीं, वो कॉमन है, वो होगा ही। ये जो मैंने जो ये मशीन ख़रीदा है ये स्पेशली हार्ड वाटर के लिए, और मैंने इसके साथ साथ वाटर गार्ड भी लगाया है। ऐसा भी होता है, बहुत लोग सोचते हैं कि जब मैंने हार्ड वाटर के लिए लिया है तो मैं वाटर गार्ड क्यों लगाऊं, तो ये अगर आप वाटर गार्ड लगाएंगे ना तो आपका मशीन बहुत ज़्यादा ही टाइम तक स्टे करेगा। मतलब क्या होता है, आपको कपड़े को तो प्रोटेक्ट करेगा ही, साथ साथ ये मशीन भी काफ़ी टाइम तक चलेगा। हार्ड वाटर तो ये है ही, बट स्टिल आपके यहाँ पर बहुत ज़्यादा आयरन है उस पानी में, तो आपको ये लगाना मस्ट है, आपको ये लगाना ही ज़रूरी है, इसलिए मैंने ये लगाया है। अंदर का जैसा मैं आपको बता दूं, इसका जो पार्ट्स है ये जो देख रहे हैं आप, ये स्टील की है, ये स्टील की, और जो इसका ये जो नीचे वाला पार्ट है ना ये प्लास्टिक का है। तो ये आपको दिख रहा है, तो ये स्टील और ये प्लास्टिक। जो आप डिटर्जेंट यूज़ करते हैं ना उसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। समटाइम्स क्या होता है, कपड़े ठीक से धुलते नहीं हैं, वो उसमें प्रॉब्लम हो जाता है, तो ये डिटर्जेंट की वजह से भी होता है कि आप कौन सा डिटर्जेंट यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि हर एक मतलब चीज़ के लिए एक डिटर्जेंट होता है, लाइक अगर आप हाथ से धो रहे हो तो वो आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप मशीन में डाल के धो रहे हो तो वो मशीन का ही डिटर्जेंट यूज़ करें। मैं यहाँ पर एरियल मैटिक यूज़ करती हूँ टॉप लोड के लिए, क्योंकि मेरा टॉप लोड है। अगर आपका फ्रंट लोड है तो आप फ्रंट लोड वाला भी यूज़ कर सकते हैं, बट डिटर्जेंट यूज़ करें मशीन वाला ही।
आपको दिख रहा होगा पिक्चर, ये सारे जो मशीन के लिए ही डिटर्जेंट बने हैं, तो आप इसमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी बाई कर सकते हैं। ये सभी मशीन के लिए बेस्ट होते हैं। और सबसे बेस्ट अगर आप बोले तो ये एरियल होता है, वो जो आपका मैटिक आता है ना वॉल, मतलब आपको वॉशिंग मशीन के लिए सबसे अच्छा अगर आप बोले तो एरियल मैटिक ही होता है डिटर्जेंट, और मैं भी अभी यही यूज़ कर रही हूँ। और ये जो आपका मशीन है ये मुझे लिए हुए 8 मंथ to 9 मंथ हो चुका है और ये अभी भी बहुत अच्छा चल रहा है, तो बहुत ही बढ़िया मशीन है ये, आप जाके परचेस कर सकते हैं। और मुझे अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं समझ आई, अगर हाँ कोई प्रॉब्लम हो तो आप वर्लपूल के साइट में जाके वहाँ कस्टमर केयर से कॉन्टैक्ट कर सकते, ऐसा कुछ मशीन में आपको प्रॉब्लम दिखता है तो आप वर्लपूल की कस्टमर केयर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, तो उसका जो उनका जो बॉय होता है ना लाइक वर्लपूल की तरफ से, वो भेजते हैं और आपका जो भी प्रॉब्लम वो सॉल्व करके जाते हैं। अगर क्या होता है कि वर्लपूल का अगर आपको कभी कस्टमर केयर का रेस करना है तो आप उनके साइट पर जाके वहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, तो विद इन 24 आवर्स के अंदर आपके घर पर वो विजिट करके आपका सारा प्रॉब्लम ठीक करके जाते हैं। और अगर आपका वारंटी के अंदर लाइक 1 ईयर से अंदर है तो आपको वारंटी पर मिलता है, तो आपका सर्विस फ्री हो जाता है। सिर्फ ये पाइप को छोड़कर बाकी आपके जितने भी पार्ट्स या बॉडी से कोई रिलेटेड कोई काम हो तो वो करके फ्री में। अभी तक यूज़ कर रही हूँ, इसमें कोई भी करंट और ऐसा कुछ आया नहीं कि मुझे लिखा हो, मैं तो यहाँ पे ऑन ऑफ मुझे कभी भी ऐसा कुछ फील नहीं हुआ, क्योंकि हो सकता है जब भी अगर करंट आ रहा हो तो मे बी शायद इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम हो, कहीं पे वायर जो होता है वो लूज़ हो सकता है या मशीन में कोई डिफेक्ट होगा। तो आप अपने वर्लपूल के मतलब वर्लपूल से जाकर, मैंने ये मशीन फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था, मुझे ये 16,200 का पड़ा था। आप कहीं किसी भी साइट से ऑर्डर कर सकते हैं, बट हाँ हो सकता है कि सब प्राइस वेरी कर सकता है, कहीं पे कम और कहीं पे ज़्यादा हो सकता है, लेकिन ये मॉडल बहुत अच्छा है, मैंने ये यूज़ किया है, मेरा पर्सनल रिव्यू है कि मुझे काफ़ी पसंद आया है। और अगर आप चाहते हैं कि इसे यूज़ करें तो आप भी इसे ले सकते हैं। अगर आपको इस मशीन से रिलेटेड और भी कोई क्वेरीज हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं ज़रूर इसे सॉल्व कर बताऊँगी आपको। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस टाइप का और भी वीडियोज़ बनाऊँ तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर हमारा भी ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और दूसरों के साथ शेयर करें।